उत्तर प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सभी जनपदों के तहसील मुख्यालयों पर प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। मौट तहसील और गरौठा तहसील मुख्यालय पर सपा के पूर्व विधायक दीपनाथ सिंह के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने SDM को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं झांसी के गांधी पार्क में सपा नेता श्याम सुंदर सिंह, यशपाल सिंह और बीरेंद्र प्रताप सिंह सहित सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रीय अखिलेश जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी मांगे हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है, डीजल है, पेट्रोल है, आम जरूरत की चीजें आसमान छू रही हैं, आम आदमी का जीवन दुर्भर है। वहीं संपन्न हुए चुनाव में जिला पंचायत और ब्लॉकों में जिस तरह से पुलिस ने धांधली की है, मिलकर सरकार के दबाव में, सरकार के आदेश पर, मैं कह सकता हूं ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। इस चुनाव की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जब तक महंगाई कम नहीं होती, समाजवादी पार्टी के लोग अब चैन से नहीं बैठेंगे। लोगों ने जो आज ज्ञापन दिया है वो पंचायत चुनाव की निष्पक्ष जांच कराने के लिए, जिस तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी जिताए हैं, उसकी निष्पक्ष जांच हो। किसानों की मांगे जो अनाज के मूल्य के लिए हैं वो पूरी हो, गन्ना किसान का पेमेंट बकाया पूरा हो, इन सब मांगों को लेकर आज हमने धरना दिया।